महिलाएं मेरे पीछे आए। ओए, ओए, ओए। इसको प्यार से मीठा बुला देते हैं। मार दे भाई, मार दे। दे भाई, मार दे। इस बुद्धि के पिताजी मेरे भैया लगते हैं। झूठी शर्म नहीं आती पापी। ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा रॉ कच्चा मतलब अच्छा होने वाला है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज खटक जाए तो उसे खटक जाने दीजिए और थोड़ा सा सहन करके क्षमा कर देना, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। धन्यवाद। आजकल मुझे दिक्कतों की कोई कमी नहीं है। दिक्कत यानी परेशानियां, आफतें। ऐसा नहीं कि वो आफतें मुझे कहीं से आ रही है या मैं कहीं से लेके आ रहा हूँ या मेरे ऊपर कोई फेंक के मर रहा है। नहीं, उन आफतों का कारण मैं हूँ। जो सबसे अहम दिक्कत है, अहम छोड़ो, जो सबसे अहम दिक्कत है वो है आलस। आलस ने मेरे साथ ऐसी दोस्ती की है, दोस्ती छोड़ो, उसने तो मेरे साथ रिश्ता बना लिया, वो भी 7 जन्मों तक निभाने वाला। और अब मैं इस रिश्ते से डिवोर्स चाहता हूँ। और ये डिवोर्स कैसे होगा? सुबह सुबह जल्दी जाग के। और ये सुबह सुबह जल्दी जागने वाला केस मेरे दिमाग में कई हफ्तों से चलते आ रहा है, जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं हुआ। एक दिन जाग जाता हूँ, 2 दिन जाग जाता हूँ, 3rd दिन। इस आलस से लड़ने के मेरे पास 3-4 तरीके हैं और मैं उन सारे 3-4 तरीकों को अपनाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इस बेफिजूली रिश्ते से छुटकारा चाहिए। एक, मेरी जिंदगी में कवाड़ों की कमी नहीं है। कवाड़ों मतलब कवाड़े, ट्रैश, कचड़ा। कचड़ा नहीं, कायदे से इस कुर्सी का काम है अपने ऊपर किसी को बिठाना, मगर ये मेरे वस्त्रों का भार अपने कंधे पर लिए हुए बैठी रहती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अलमारी नहीं है, अलमारी है, मगर इस अलमारी की हालत भी अलमारी लायक नहीं बची है। कुछ कपड़े बहुत ही अच्छे खासे डिसिप्लिन में लगे हुए हैं, मगर बाकी सब तो अपने आप में ही खोए हुए हैं। मगर मैं इस कबाड़े को साफ करके सही जगह पर लगाने की जिम्मेदारी मैं इस कबाड़े को मतलब इन्हें दूंगा। और क्या, अपनी जैसा कि आलस है तो मुझसे 7 जन्मों का रिश्ता तय कर लिया। खैर, मैं उसको जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन तब तक आलस है मेरे साथ। अपने उस कपड़े वाले कवाड़े को संभालने की जिम्मेदारी इन्हें देता हूँ और साथ ही आगे की ब्लॉगिंग करने की। तो आप तैयार हो? ब्लॉगिंग के लिए तैयार है। तो आज मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ, तो भैया को एक म्यूजिक बजाना चाहिए इस खुशी में। ऐसा म्यूजिक बजाऊंगा आपके बचपन के दिन याद आ जाएंगे। ओह, बजा के दिखाओ तू मुझे। वाओ, डोरेमोन। इसे हमने और अमित भैया पहले बचपन में बहुत देखा करते थे। इन्होंने मुझे आदत डाली थी कि डोरेमोन देखा कर बहुत बुद्धि आती है, इसलिए मुझमें इतनी सी बुद्धि रह गई है, इनमें इतनी सी हो गई है। भूल गए बचपन, भूल गई है बचपन, भूल गई। महिलाएं मेरे पीछे आए, महिलाएं आ गई। तो अब भैया की अलमारी को खलाएं। ये है भैया की अलमारी ऊपर से नीचे तक। इसमें ज्यादा कपड़े हैं, बहुत ज्यादा कपड़े हैं। इतने कपड़े तो मेरे पास भी नहीं है। तो अब हम अपनी नारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए पायल, जल्दी से एक घड़ी करें। प्रदर्शन दिखा रहे हैं हम अपना। और ये नहीं समझ में आ रहा भैया की शर्ट सीधी की तरह से उल्टी है। तो अभी हमारे आधे से ज्यादा कपड़े घड़ी हो चुके हैं, भैया ने हमें काम दिया है। फिर मेरे पिताजी मुआयना करने आते हैं कि कितने ढंग से ये लोग इतने अहम कार्य को कर पा रहे हैं कि नहीं। फाइनली भैया के कपड़ों की घड़ी हो चुकी है। पसीना निकल गया। ये देखो कितनी अच्छी अलमारी लग रही है और इनके पास बहुत सारे कपड़े हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने मेरी अलमारी को संभाल दिया, सारे कपड़े एकदम सेट कर दिए। और खैर, धन्यवाद के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। पायल इज वेरी टैलेंटेड। अभी एक काम से चैन मिला, तब तक मम्मी ने मुझे दूसरा काम पकड़ा दिया, वो है ये सामान दीदी के पास मुझे पहुंचाना उनके घर पे। अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ, पहले सामान पहुंचा दूं दीदी के पास, फिर मुझे एक और जगह जाना ठेस बुद्धि के साथ, क्योंकि कल ठेस बुद्धि के घर पे शादी है। दीदी का घर महज 10 किलोमीटर दूर है और इतने छोटे रास्ते पे मैं बोर ना हो जाऊं, इसलिए मैं अपनी पलटन को भी इनवाइट कर लेता हूं। क्या आप तैयार हो पुनिया जी? ओके। हमारे पुनिया जी जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैं तो ऑफर लगा दिया हूं। किसी को शादी करनी हो तो हमारे पंकज जी से संपर्क करें, नंबर है 8282, नहीं लगे तो काट दो। बहुत भारी जिम्मेदारी आज मैं ठीक ठाक बंदे को दे रहा हूँ, गाड़ी चलाने की।
आज मैं पीछे पैसेंजर सीट पर बैठूंगा जहाँ पे मैं बहुत ही कम बैठता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर पीछे बैठने वाली सीट पे। कॉन्ग्रेचुलेशन पुनिया। कॉन्ग्रेचुलेशन पुनिया, आप आगे बैठ गए। वाओ, बस पहुंचने वाला हूँ। ए माते, जरा हमें रास्ते रास्ता दे। हो गया। आंधी की तरह गया था और तूफान की तरह वापस आ गया। दीदी का सामान पहुंच आ गया। कल ठेसपुत के घर में शादी है उसके भैया की, क्या आपको पता है? ठेसपुत मुझसे कह रहा था कि आज उसको कपड़े लेके आने हैं क्योंकि कल उसके घर में शादी है। शादी वाले कपड़े कह रहा था मेरे से। याने होली खेल ली दोस्तों। इस बॉटल की किस्मत बहुत अच्छी है, ये फूट नहीं रही बिल्कुल भी। अभी भी नहीं फूटी है, देखो। अच्छे से साफ करो, अच्छे से, क्योंकि ये काम देता है यही जगह। अभी मैं अपनी शर्म भया सब साइड पर रख के मजा आया और सारा लग रहा खुलवा भाई, गेट खुलवा। ओए पुनिया भाई, भूख लगी है यार। तो भूख लगी मैं क्या करूं भाई, भूख लगी है मैं क्या करूं। ये बात कितनी बड़ी बोल दी इसने कि भूख लगी है मैं क्या करूं। मैं बना के लाता हूं तुम्हारे लिए कुछ। अच्छा फिर लेके आओ ना, यही तो चाहता था मैं। मुझे भूख लगी, आप कुछ बना कर लाओ। ये फंस गया, मेरी डिमांड में मैगी बना के लाओ। मैगी बना दे, मैगी आई नहीं है ना। तो फिर क्या है आपके घर पे? हमारे घर पे है दूध, बस। दूध से चाय बन जाएगी? हाँ तो चाय बना सकता हूँ। चाय बिस्किट नमकीन ले आओ। नमकीन बिस्किट नहीं है, पापड़ सेक सकता हूँ। पापड़ नहीं, पकौड़े सेक दो। पकौड़े बेसन नहीं है। खमा कसम, दूध का दूध, पानी का पानी। खमा कसम, तेरे घर बेसन नहीं है। माँ कसम, बेसन नहीं है तेरे घर। बेसन नहीं है मेरे घर, बेसन नहीं है, ठीक है। खा माँ कसम, तेरे घर बिस्किट नमकीन नहीं है। माँ कसम, बिस्किट नमकीन होंगे। देखो भाई पकड़ आया, चाय बना सकता है। माँ कसम, तेरे घर पास्ता नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है कि पुनिया ने हमारी भूख को संतुष्ट करने की खातिर इतनी बड़ी मैगी निकाल दी। क्या कर गया भाई, मसाले कर गया। इतनी बड़ी मैगी भाई, थैंक यू सो मच भैया, आपको मिलाना पड़ेगा। पायल बहन जी, आप बहुत ही अच्छे समय पे आए क्योंकि पुनिया हमारे लिए मैगी बना रहा है। आपको भी उस मैगी पार्टी में हम पूरी पूरी भागीदारी दे देंगे। उससे ये कह दो चार पैकेट नहीं, पांच पैकेट बना ले, हम चार लोग हैं तो। भाई पुनिया पांच पैकेट बना ले मैगी की। पांच पैकेट पुनिया बना लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बना देगा। हाय हाय, थैंक यू सो मच दिस फॉर दिस लॉटी चोको पाई। जब ये नई मार्केट में आई थी मैं इसको डोरा केक समझता था, डोरेमोन वाली। पुनिया अरे मैगी तो उसने बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में बनाई है क्योंकि हमारे पास खाने भी बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में बैठे हैं। ये खाना कौन सा है? मम्मी चम्मच दे नहीं पायल है। बीती बीती आ गई सावला। चम्मच मैगी तो आई बढ़िया बनाई है, इस बात में कोई शिकायत नहीं है। पांक ओए ओए, चम्मच ही बहुत अच्छी है ना। ये चश्मा तो मैंने ठीक-ठाक बंदे का पहन रखा है, उतार देता हूँ। और इसकी तबीयत खराब हो चुकी है, देख सकते हैं नाक में डाल के बैठा है। वेंटिलेटर में डालूंगा उसको। तो मुद्दे की बात है कि ठेस बुद्धि ने मुझसे कहा था कि भैया मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे कपड़े दिला कर लाओ, कल मेरे भैया की शादी है, मतलब उसके भैया की, और मैं उसी के इंतजार में यहाँ पर बैठा हूँ। उसने 6 बजे की बोली थी, वैसे मैंने 6 बजे की मना करी थी कि मैं नहीं जाऊँगा, अंधेरा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसकी खातिर 6 बजे तक यहाँ पर बैठा रहा। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी 7 बज रहे हैं और ठेस बुद्धि का कोई अता पता नहीं है। मन तो कर रहा है कि मैं घर पर चला जाऊं, वैसे चला भी जाऊंगा क्योंकि क्या फर्क पड़ता है अगर वो अच्छे कपड़े लाए नहीं लाए। बात तो सही है। अच्छी बात है कि बहुत सारा इंतजार करवाने के बाद मेरे सामने मेरी आंखों के आगे ये ठेस बुद्धि आ गया है। आ गए हम, आ गए। हेलो ठेस बुद्धि, वैसे आप कहां थे इतनी देर से? मामा जी के घर पे गया था। मामा जी के घर पे क्या करने गए थे? नाना जी तबीयत खराब थी, नाना जी की तबीयत खराब थी इसलिए मामा जी के घर पे गए थे। तो अभी आप कपड़े लेने जाएंगे?
जाओ तू नहीं। वैसे भी मैं जा नहीं रहा था, अगर तू कहता हाँ तब भी नहीं जाता। भैया वैसे इसे बात बतानी चाहिए, इसके नाना की तबीयत खराब थी तो ये मामा के घर क्यों गया, नाना के घर जाता। ठीक ठाक बंदा का फिर से ठीक ठाक दिमागी चलता होगा। सुनो भैया रुको रुको, जो मेरे नाना जी के घर था ना वो मामा जी के नाम कर दिया था, वो मामा जी का। इसके नाना जी का घर मामा जी का घर है, इसके मामा जी नाना जी के बेटे हैं, इसके नाना जी इसके मामा जी के बाप हैं। अच्छा तो ठेस बती हम चलते हैं भाई, कल ठेस बती हमें बहुत तगड़ी पार्टी देगा दाल बाटी की। नहीं कल तो आगे घर ब्याह है भाई, क्योंकि ठेस बती का पक्का हो गया है मेहनत करना पक्का हो गया ठेस बुद्धि का। भैया सुनो, अरे भैया सुनो, कल आना है तुम्हें ठीक है शादी में? कल आऊंगा शादी में, दवा के दवा खाऊंगा। अरे सुन लो, दवा खाना ही खाना नहीं है, काम भी करवाना है। काम पहले आओ, काम करवाऊंगा ठेस बुद्धि में, ठेस बुद्धि के भैया की शादी में तेरे साथ करवाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं बताता हूं तुम्हें, इनकी इच्छा होता है ठेस बुद्धि के भैया की शादी है, ठेस बुद्धि और बहुत काम करेगा, मैं उसको सारा सारा काम संभाल ले दूंगा, कोई बात नहीं। मैं आऊंगा तो आपके पास खाऊंगा, खाना खाऊंगा तो आगे। और इसको डी लेटर से बहुत ज्यादा लगाव है, डी माने दोस्त, डी माने दुश्मन, दुश्मन नहीं, वी डोंट डू दुश्मनी, डाकू, डी माने डाकू एंड डाकू ठेस बुद्धि भैया। और दोस्तों इज वेरी फनी गाय, ठेस बुद्धि इज वेरी स्वीट गाय, दोस्तों ये इसको प्यार से मीठा बुला देते हैं। ओए ओए हो गया, स्वीट गाय, स्वीट गाय, वी नीड द स्वीट गाय, वी आर कूल बंदे। ओके तो ठेस बुद्धि के घर में कल शादी है, मैं पक्का आऊंगा, खूब दवा के दवा खाऊंगा। ए कैमरा ऐसे नहीं हिलाते, ठेस बुद्धि को जिम्मेदार आदमी बनने का बहुत ज्यादा शौक है, ठेस बुद्धि इज वेरी जिम्मेदार आदमी, कोई बात नहीं ये यार। आज मैं ठेस बुद्धि की वजह से नहा नहीं पाया, क्योंकि तू मुझे नहलाने आता है। ठेस बुद्धि मेरे को मार रहा है, मार दे भाई, मार दे, ले भाई मार दे, लेट गया भाई मार दे। सभी लोगों को मेरी जान बहुत प्यारी है, देखो ठेस बुद्धि मेरे को मारना चाहता है, देखो भाई, हाँ भाई ठीक, तो भाई मार दिया ठेसोदी ने, मार दिया भैया। और ठेसोदी पिट, ये तो ठेसो, ये तो उल्टा ठेसोदी पिट रहा भाई, ये कैसी जान ले रहे हैं। और हमारा ठेसोदी को मार नहीं रहा, ठेसोदी को बहुत ताकत है, ठेसोदी को बहुत ताकत है। ओए ओए उठ उठ यहां पर दोनों, ओए उठियो, अरे भाई सही जगह पर इस्तेमाल करिए, कल शादी के साथ बहुत सारा काम कराइए, हमको खाना भी खिलाइए, हम कल खाना खाने आएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डूडू डूडू यहाँ पर ठीक ठाक बंदा और ठेस बुद्धि बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है, और बहुत ही तगड़े तरीके से लड़ाई तो शायद मुश्किल कर रहा है, मुझे सर्कस वाले ज्यादा लग रहे हैं। आला ओ आला देखो सर्कस वाला, आला ओ आला देखो सर्कस वाला। ठेस बुद्धि आपको बहुत बहुत हिम्मत देता हूँ मैं, हम भाई भाई हैं, चाचा दीजिए। ठेस बुद्धि के पिताजी मेरे भैया लगते हैं। तो जैसा कि आपके पिताजी मेरे भैया लगते हैं, तो जैसा कि ठेस बुद्धि के पिताजी मेरे भैया लगते हैं, ठेस बुद्धि के पिताजी मेरे भैया लगते हैं, बड़े वाले भैया, और ठेस बुद्धि मेरा भतीजा लगता है। इसके आदेश में ठेस बुद्धि का चाचा जी हुआ, जो कि इसके पिताजी मेरे भैया हुए, तो मैं भी इसका चाचा लगा। चाचा ठीक ठाक बंदा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ भाई, ठेस बुद्धि तू दावत खाने जा रहा है। ठीक है भैया, मैं अपने घर जा रहा हूँ, इसलिए मैं बैठ के जाऊँगा। ठेस बुद्धि गाड़ी आराम से चलाइए, ठंड बढ़ती जा रही है दोस्तों, आराम से आ रहा है, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। हाँ बहुत वाले, ये बार मेरे पीछे ऐसा कुत्ता पड़ा था, मैं बहुत दूर तक भागते हो गया था, मेरे को बिल्कुल बिल्कुल होश नहीं था। ठीक है भाव, ठीक है टाटा, मन लगा के पढ़ना। थैंक यू। हे बुद्धि दावत में जा रहा हूँ, ठूस ठूस के खाना। ओके ओके दोस्तों, आज मैं नहाया नहीं और इस बात की मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने मैंने सुबह मुंह धो लिया था, ये तो चार चार दिन तक नहीं नहाते दोस्तों, सर्दी सर्दी आने दो, सर्दियों में उसको 15 दिन हो जाते ना नहाए हुए। ओए वाले।
मैं सच बोलता हूँ, ये बिल्कुल ही नहाती। मैं कम से कम एक दिन रुक जाता हूँ, हमारे स्कूल में ऐसा कोई रूल नहीं था, इसके स्कूल में था। कौन सा रूल था? ये माँ कसम, तू माँ कसम खा जा कि तू सर्दियों में नहाती थी पहले। तू माँ कसम खाया कि तू पिछले साल पूरी सर्दियों में नहाई थी। दो तीन दिन दो तीन दिन तक नहीं नहाती थी। हाँ देख लो, सच्चाई है बाहर निकलती है तो कड़वाहट लगती है और ये बोल नहीं पाती। तुम खाइयो मम्मी कसम, तुम रोज नहाता है? माँ कसम है रोज नहीं नहाता, मतलब सर्दियों में, गर्मियों में नहाता। सर्दियों में ये कभी नहीं नहाते, दो तीन दिन तक नहीं नहाते। अब माँ कसम दो तीन दिन तक नहीं नहाता, माँ कसम दो दिन तक नहीं नहाती ये। ए जा तू खा माँ कसम, कब बताइयो कब झूठी माँ कसम खा ली इसने, शर्म नहीं आती पापी। मैं झूठी कसम ना रात को की झूठ बोलना है ये। जा रोटी ले आ मेरे लिए, जा भूख लगी है बहुत तेज। ये भी नहीं नहाती, ये साइलेंट रहती है, बिल्कुल चुप रहती है, ये नहाती नहीं है। सर्दियों में सब आलसी हो जाते हैं सब, सब। अच्छा तुम नहाते हो और क्या? आप नहाते हो? तू नहाती है सर्दियों में डेली? ये तो परी है बेचारी, बिना पंखों की तो उड़ तो पाती नहीं, इसलिए गिर जाती है ये पानी में। जा रोटी ले, मुझे भूख लगी है बहुत तेज। रोटी तो खाए, मेरा पानी से।